राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर पदयात्राएं और मीटिंगों का आयोजन कर अपने लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा से प्रत्याशी मनोज तिवारी गोकलपुरी विधानसभा के झोरीपुर वार्ड में जाटव समाज की मीटिंग में पहुँचे और लोगों से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांगा। वहीं जाटव समाज की सभा में प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र के लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जाटव समाज की इस सभा में प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी जाटव समाज के महिलाओं और पुरुषों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा साहब ने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था, जिसके चलते मैं आपसे आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो उनकी अंतिम क्रिया कहां हुई? वो तो भारत के संविधान के निर्माता थे और भारत सरकार के मंत्री थे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब उनकी मृत्यु हुई, वो यहीं अलीपुर में आखिरी सांस लिए। वो अलीपुर को बहुत बड़ा, अच्छी अलीपुर बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया है, और उस बिल्डिंग का आकार देखेंगे ना तो वो संविधान के आकार का बनाया हुआ, और उसमें आप जाएंगे ना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हुए नजर आएंगे। उनके सारे भाषण, उनकी सारी जिरह बहस सब दी हुई है। लेकिन जब वो अंतिम सांस लिए तो उनकी अंतिम क्रिया के लिए कांग्रेस की सरकार थी। कोई कांग्रेस का समर्थक हो तो बुरा मत माने, बाबा साहब को एक कट्ठा जमीन नहीं दिया गया दिल्ली में कि उनकी अंतिम क्रिया। देखिए आज हमने अपने जाटव समाज की मीटिंग है और आज हम लोगों ने कुल 5 कार्यक्रम किए हैं। उसमें एक सर्व समाज का भी था, एक जाटव समाज का भी कार्यक्रम जो प्रवीण निमेश जी ने और मंडल अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र पाल जी ने ये लोग रखे, मनोज त्यागी जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में और सभी प्रमुख कार्यकर्ता। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब प्रत्येक जाति समाज इनको सम्मान देते हुए इनकी भावनाएं भी हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये समाज क्या चाहता है। और जैसा आपने देखा होगा हम सुझाव पेटिका लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही हम समाजों से उनकी बात जानना चाहते हैं। और बातचीत में वो पता भी चलता है। यहाँ भी जैसे हमको कुछ बताया गया कि कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें बैठना है तो हम वो बैठेंगे भी, और मोदी है तो मुमकिन है ऐसा करके दिखाएंगे। आज तो मैं हैरान हूँ, हमने अपनी तरफ से जाटू समाज के कई ऐसे जो रत्न हैं उनको सम्मानित किया और कई लोगों ने हमें सम्मानित किया, लेकिन यहाँ तो अद्भुत हुआ कि समाज ने हमें चंदा भी दिया है। इन लोगों ने काफी इकट्ठा करके, और तो हमें तो गिना नहीं हूँ कितना था, कितना इकट्ठा हुआ होगा भाई, 11,000 के प्लस में, 11,000 से ज्यादा इन लोगों ने घर घर से माइक्रो डोनेशन, उसमें कई लोग बता रहे हैं कि किसी ने 5 रुपया दिया है, किसी ने 10 रुपया दिया है, ऐसे लगभग 11,000 रुपए हमको यहाँ से चंदा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने पास से दे सकता है नोट, फिर
फिर उसका कितनी बड़ी मात्रा में मिलेगा वोट। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया 400 पार का, और 400 पार निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव के अंदर होंगे, और मनोज तिवारी जी भी उन 400 पार में होंगे, और कम से कम 5.5 लाख से वो इस चुनाव को जीतने वाले। और इनके प्रति जिस प्रकार का संदेश हमारी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट दे रही है, वास्तव में ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर संगीतकार, ऐसा समाज सेवी इस दिल्ली के क्या पूरे कई राज्यों में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल है और उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे, हमारे प्रत्याशी एक से एक बढ़िया है और जमुना पार में खास है, और जमुना पार खास बना करके इनको लोकसभा में 5.5 लाख वोटों से जीता करके भेजेगा। जाटव समाज ने भी प्रतिज्ञा की है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सुगम और सुबल शासन कोई दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र की भी पूरी सेवा की है। 93 से लेकर के हमने भी विधायक होते हुए, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हुए इस विधानसभा के खड्डे भरे, और आज तक विकास की ओर ये क्षेत्र बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और मनोज तिवारी जी का, केंद्र सरकार का, और आने वाले समय में जो राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उस चुनाव में आपके सभी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र विकास की तरह, विकास की ओर पहिए और लग जाएंगे, और पहिए लगने के बाद और विकास की दौड़ में ये क्षेत्र शामिल होगा। जय। आज जाटव समाज ने माननीय सांसद जी को बुला के उनका सम्मान करने का काम किया, और जाटव समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहीं से 10 रुपए, कहीं से 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं से 100 रुपए लेके आके माननीय सांसद जी को विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम आपके साथ हैं चुनाव में, और आने वाले चुनाव में जाटव समाज की तरफ से आपको पूरा समर्थन मिलेगा और पूरी वोट मिलेगी। जाटव समाज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और खासकर मनोज तिवारी जी जो हमेशा चेहरे पे इनके एक स्माइल रहती है, कार्यकर्ता से मिलके बड़ा ही अपनापन कार्यकर्ता को महसूस होता है, और इतना उदारवादी चेहरा माननीय सांसद जी का, जिस तरह ये लोगों से प्रेम करते हैं, और देखिए अपार भीड़ लगातार, ये 10 साल से सांसद हैं यहाँ से, और फोटो खिंचाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है नहीं, क्योंकि सांसद जी दोनों हाथों से सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और हृदय से लगाने का काम करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सांसद जी का। वो आज जाटव समाज की सभा में आए और जाटव समाज को सुनने का काम किया। हमारी जो छोटी बातें थी हमने सांसद जी को बताया, सांसद जी हमारी बातों पर ध्यान रखेंगे, और पूर्णतः समर्थन जाटव समाज का भारतीय जनता पार्टी को मनोज तिवारी जी के साथ रहने वाला। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211429205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।